ये बताई कि एजा गन्ना ले आवे में कितना ज्यादा परेशानी का सामना? परेशानी बहुत ज्यादा बा। अमुख लोग रोड पर लगाए थे 4 किलो 5 किलोमीटर रोड पर लगाओ तो सटाली, अमुख 10 जना 5 जना लड़का होते रहे छूला लगे मारे पड़ जाता रहे बोला जल जाता था। एजा बहुत गुंडागर्दी हो गई बाबे, मोबाइल पैसा सब कुछ छीन लेता रहे एजा से। थोड़ा नजदीक से देखा, आप देख सकते नहीं है जो स्वीटर बा कहीं ना कहीं यही जगह पर जो बाकी चाकू से हमला कल गई ल, और जब चाकू से हमला कल गए तो यहाँ का अपना हाथ से पकड़े का प्रयास के लिए जोना के वजह से यहाँ का उंगली कट गई है। वो लोग कह रहे हैं कि सासा मुसा खानी हरकुआ को बैठा देंगे, तो मान लीजिए हम किसान हैं, किसान ही रहेंगे। वो लोग को अगर सासा मुसा खानी हरकुआ बंद हो जाता है तो उन लोगों को ठेला पर भूजा बेचना पड़ेगा, भूजा। नमस्कार, हम अमरीश और आप देखते नहीं झलको गोपालगंज। इस समय हम गोपालगंज जिला में ही मौजूद बनी और आप सबके बता दी कि बिहार में जब चीनी के बात कही जात रहा तो बिहार के गोपालगंज जिला के नाम सबसे पहले आवत रहा, कैसे कि गोपालगंज जिले में 4-4 गो चीनी मिल पहले रहत रहा। आप सबके बता दी कि हथुआ चीनी मिल, सासामुसा चीनी मिल, हरखुआ चीनी मिल और सिधवलिया चीनी मिल, 4-4 गो चीनी मिल जब गोपालगंज में रहत रहा तो सबसे पहले जिला के नाम आवत रहा। लेकिन आप सबके बता दी कि दुर्भाग्यवश गोपालगंज के 2-2 गो चीनी मिल बंद हो चुकल बा, सासामुसा और हथुआ चीनी मिल बंद हो चुकल बा, और अभी विष्णु शुगर मिल यानी कि हरखुआ और सिधवलिया चीनी मिल दुई गो चीनी मिल चल रहा बा, जोना के वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो चुकल बा। बहुत सारा किसान ऐसा बाड़े जौन गन्ना ला करके जब फंसा दिल बड़े और बहुत सारा परेशानी के सामना करे पड़ता। अभी हमारे साथ कुछ किसान लोग मौजूद बा जौन कि अपन गन्ना लेके आए बा, ये लोग को कितना ज़्यादा समस्या के सामना करे पड़ता, ये सब समस्या पर बात कर जाइए। अब बाबा का नाम पड़ी आपके? उत्तिन यादव। ये बताएं कि कहाँ से आए बनी आप? रामकोला। रामकोला से आपके क्षेत्र में शुगर मिल नहीं है, केज आए बनी आप? नहीं है, बाकी टिकट नहीं मिलता है, मतलब ओजा परेशानी होला। तो क्या ओजा परेशानी ज्यादा होता कि ऐजा परेशानी ज्यादा होता? ओसे ज्यादा ही जावा, ओसे ज्यादा ही जावा। कब के जाइल बनी आप? कल के 12 बजे राति पहुँचल बनी। कल के 12 बजे राति गन के कहाँ लगा था कबले नंबर आ जाए? बिहान है सवेर है, यानी 3-4 दिन बाद नंबर आ? हाँ, तीसरा दिन के बाद है, चौथा में आई 2 दिन में आई है। तो 3 से 4 दिन में आप लोग इनके जब बाहर रहो तो केंगा केंगा समस्या आप लोग इनके सामना करे पड़ता है? बहुत करे पड़ता है, जितना चाहिए। हाँ, पहले तो गन्ना अगर कई बोझा घिंचा गए टाली में देखो फोटो ले लो खाली आ जाता लोग, मैंने बिना पूछले जितना चाहे उतना खींच के लगे। हाँ, जाता लोग। अच्छा, अंदर गए नहीं चीनी मिल में? एक 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 एक, एक खेप लेके गए नहीं कि ना? कबू नहीं गोल बनी। तो गोल बनी तो अंदर कौन कौन समस्या होता? अरे अंदर वो बहुत समस्या बा, काटा पर लड़ाई होला, डोंगा पर लड़ाई होला, तो गाड़ी लगे ले। अच्छा, जे गन्ना खींचा था आप लोग इनके ट्रॉली में से, वो लोग से मना करते हैं तो का बोलते बालो? अरे उल्टा मारे तैयार हो जाना कुली। हाँ, छोड़ देता नहीं जितना खींचा। हाँ भाई, घींच लो अकेले बानी हम आए तो क्या करब, 10 जन तू बड़ा अकेले हम बानी तो सब मार नहीं कर पाई, तो मजबूरी में हमारा छोड़ देते जा खा लो जे ना खाए। इतना सारा समस्या झेलला के बावजूद क्या लागत है कि एक बात कब जाए बाप? अब नहीं आई, अब ना आए, भले 10 दिन बाद गिरी लेकिन वो गिरी। हाँ, वो गिरी। ये बताई कि एजा गन्ना ले आवे में कितना ज्यादा परेशानी का सामना? परेशानी बहुत ज्यादा बा, बहुत ज्यादा बा। अमुख लोग रोड पर लगाए थे 4 किलो 5 किलोमीटर रोड पर लगाते नहीं सटाली, अमुख 10 जना 5 जना लड़का होते रहे छूटा लगे मारे पड़ जाता रहे बोला जल जाता था। अच्छा, वो खींचा तो बोला था मारे मारे छूटा लगे पड़ जाता लू तो मान लो एगो दे का कल जाए चुपचाप खेपल जाता आधा खाली जाता टाली, समस्या बहुत हमनी के बही जाए। अच्छा, आप भाड़ा पर लेके आए बनी कि खुद के गन्ना? अपन खुद गन्ना। कब के आप जब पहुँचल बनी? हम तो कल 4 बजे को पहुँचल बनी। कल भोर में 4 बजे? शाम के 4 बजे। और अभी तक ले आपके नंबर ना? अभी कहीं नंबर आई कहीं सांझ ले भीतर जाए के नंबर आई। ओकरा बाद से अंदर गई बाद? अंदर गई के बाद 24 घंटा वही में। खाए पिए के कितना ज्यादा? खाए पिए के कोनो व्यवस्था नहीं है, टाली छोड़ के भीतर टाली हुई ना तेले कोनो व्यवस्था नहीं है, केनो जाई जाई तो। अच्छा, अगर ट्रॉली छोड़ के अगर जाते नहीं खाना खाए तब तो और ही खींचा जाता? खाना खाए चल जाते नहीं तो लोग लूट ले जैसा, ट्रैक्टर वोटर में जितना सामान है उतना लोग लूट ली। अंदर गैला के बाद जे भी मिल के अधिकारी वाले वो लोग के व्यवहार कैसन बा? अंदर गैला के बाद भीतर माले तेने जाम बा व्यवहार हुए भाई, अपना वाला करते लो सिपाही लोग अपन वाला करते लो। लेकिन आप लोग के तकलीफ नहीं क्या दिखाई दे? तकलीफ वो लोग केहू के दिखाई नहीं दी। अंदर जोन बाकी केंगा केंगा व्यवस्था बाटे गन्ना गिरावे के? गन्ना गिरावे बहुत गजन बा, अंदरों गजन बा। हमके ये बताई कि गन्ना गिरेला के बाद कितना दिन में जोन बाकी पैसा का भुगतान होता कुछ? अभी नया वैरायटी के 5 दिन के भेजले बड़े मिल चालू भेल तब से, अब 20-61 के तरह जो मिल बन हुई तब भेजे। खेत मान लेते नहीं जब बुआ के बात कर्जी काट के बोल जाता, 4 लाख 5 लाख के लोगों को गिरा दी होला, ये बार पैसा ना भेटो।
अपन गन्नो दे तनी पैसो छोड़ देन ओकर बाद से इतना गजब सा लेके मजदूरी लेके ना पैसा नहीं खेरा तब मई गन्ना का पैसा नहीं मिले अपन पैसा दे तनी गन्ना दे तनी ओकर बाद से लोग इतना रूप्स भी सह हां तब तब ही हाल बा लेकिन ए पर केहू प्रशासन प्रशासन नहीं पेने केहू ध्यान देवे वाला नहीं है ई बताई कि शासन उसा जब से चीनी मिल बंद हो गई शुगर मिल तब तो सारा गन्ना ओई जाए ए जावेला हां ए जावता तो ए जा कौन कौन समस्या का सबसे पहले परेशानी होता ए जा बहुत गुंडागर्दी हो गई बाबे मोबाइल पैसा सब कुछ छीन लेता रे ले जैसे बाहर के लोग होई हां बाहर के लोग बा लोकल के होई लो लोकल काहे कहते पैसा छीन ललो को आदमी रह ललो लो तीन आदमी रह ललो पैसा आ मोबाइल आ ओका बा चक्कू चल तो मोबाइल ले लो थोड़ा नजदीक से देखा आप देख सकते नहीं जो स्वीटर बा कहीं ना कहीं यही जगह पर जोन बा कि चाकू से हमला कल गई है और जब चाकू से हमला कल गई तो यहाँ का अपना हाथ से पकड़े के प्रयास के लिए जोना के वजह से यहाँ का उंगली कट गई है और अंदर ही बैंडेज कल गई है अभी यहाँ का स्वस्थ बनी ये बताई कि ऐसा समस्या आई जा तो बहुत सारा लोग के देखे के मिलत हुई हाँ बहुत मिलत सब जोन बाकी एक विरोध आप लोग ना कनी अगर अधिकारी से क्यों ना कनी भाई लबा तो कुछ नहीं बोला कुछ नहीं खेल बोला यानी ऐजा बाहर से लेकर के अंदर तक जोन भी हो सब खुद के जिम्मेदारी बा अधिकारी के जिम्मेदारी अधिकारी के जिम्मेदारी नहीं क्या चाहे अंदर रही चाहे बाहर रही अंदर रही चाहे बाहर रही एक बात बा सबसे पहले गजन तो ये हो गए हमने के कि वो गाना लगाओ था इंसान 2061 2061 गाना लगावल बा अभी बेरा का तो ये मिल मालिक कहते कि मिल अभी गाना ना रही रो बताएं कि जौन रही हमने के मनी देता तो गाना उड़वा दी सन तो कैसे हमने के धर्म कर्म चली अच्छा तो 2061 जौन गाना बा पहले का मिल लेते रहा हाँ पहले लेते रहा अब तनि भर गई बा पेट भर गई बा वैसे ही मिल नहीं खेले अभी बहुत सारा परेशानी के लेके किसान है जूझ रहा वालों जहाँ तक हमके जानकारी मिलल कि ये फैक्ट्री के जे जनरल मैनेजर यानी कि GM साहब बा उ क्षेत्र के दौरा करके और किसान के मना करता लो कि आप लोग इन अभी के गन्ना के कटाई मत करी जनवरी फरवरी में गन्ना के कटाई करे ओकरा बाद से मिल में गन्ना पेराई कल जाए लेकिन अभी जोन मिल में गन्ना आ चुकल बा ओकरा के रिटर्न करता लो अभी किसान गन्ना लेके कहाँ जाए लो ये सब समस्या के लेके काफ़ी ज़्यादा परेशानी लो बालो का नाम पड़ी भैया आपके हमारे सुनील यादव सुनील यादव कहाँ से बनी आप खेमटिनिया ये बताई कि 2061 जोन गन्ना लगे बनी क्या ओके उचित रेट नहीं मिलत उचित रेट मिटल मिलता बाकी उचित रेट में ई गड़बड़ी बा हमनी के कि मान ले कि कौनो ऐसा किसान हो कस सासा मुसा एरिया के ई लोग पहले पर साल तो अच्छा मैंने व्यवहार दिया लो एक तो पहले सासा मुसा फैक्ट्री भड़कल 2020 में फैक्ट्री 19 में और बाद फैक्ट्री आयल चलल फैन उ भाग गई भागला के बाद ये लोग कह लो कि आप लोग को हम लोग एरिया में कर रहे हैं एथी कह लो जोड़ल लो अगर एरिया में इन लोग ना जोड़ल तो इतना हमने के समस्या में ना चौं पड़े थी सब जोड़ला के बाद ये पर साल हमने के अच्छा व्यवहार दिया लो खूब अच्छा व्यवहार पैसा समय से भी सब कुछ समय से भी ओसो हमने के पर साल गाना बढ़ा दनी सन गाना बढ़ावला के समस्या में ओसो ये लोग फायदा उठा रहे हैं जो GM साहब है GM साहब आज क्षेत्र में हम लोग को सासा मुसा में घूम रहे हैं कह रहे हैं कि गाना मत कटवाइए आप लोग को जनवरी फरवरी में हम लोग गाना लेंगे तो आप बताइए जिसके पास 50 एकड़ 30 एकड़ गाना लगा हुआ है फरवरी जनवरी में गिर जाएगा कभी नहीं कंप्लीट होगा मैंने गिर जाएगा इसके बाद मान लीजिए एक प्रति डे टाली पर हम लोग का 5,000 का खर्च है और हम लोग का दूसरा बाहरी आमदनी भी नहीं है जितना आमदनी है खेती से है हम लोग खेती पर निर्भर हैं आज तक ले एक पर्ची का परमेंट एक लोग नहीं दिए हैं एक पर्ची के हम लोग को उतना गजन की रहे हैं हम लोग का समस्या ये है कि अगर हम लोग का बात अगर DM साहब सुनते हैं तो इस पर कृपया अगर वो ध्यान दें कि हम लोग को पैसा दिलवाने के काम करें कम से कम 5-5 पर्ची के लोग को ध्यान दें कि पैसा मिले आ जो ये समस्या GM साहब घूम कर कह रहे हैं वहाँ से गाना ले लें हम लोग अगर ऐसा होगा तो हम लोग गाना उलाट देंगे छोड़ देंगे गाना बोना छोड़ देंगे साफा छोड़ देंगे गाना बोना ये मन करे तो फैक्ट्री जैसे चलाए आज बात नहीं है सासा मुसा एरिया से 2061 आ रहा है सासा मुसा एरिया से 2061 आ रहा है तो उसमें रिकवरी नहीं है सिधवलिया एरिया मझवलिया एरिया बागहा एरिया वहाँ से आ रहा है मोतिहारी का एरिया से जो चकिया वो फैक्ट्री बंद हो गया वहाँ के एरिया से गाना आ रहा है वही 2061 आ रहा है तो उसमें रिकवरी है हम लोग में रिकवरी नहीं है हम लोग क्या किए हैं कि रिकवरी नहीं है जब आप हमारा रिजेक्ट में गाना तोल रहे हैं हमारा के रिजेक्ट रेट दे रहे हैं तो कहाँ ऐसे हम लोग को तबाही कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि सासा मुसा खानी हरकुआ को बैठा देंगे तो मान लीजिए हम किसान हैं किसान ही रहेंगे
वो लोग अगर सासा मुसा खानी हरखुआ बंद हो जाता है तो उन लोगों को ठेला पर भूजा बेचना पड़ेगा। भूजा, इतनी सारी समस्याओं का ये लोग सामना कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी के पास वीडियो को पहुँचाया जा सके और सब लोग और सबको मिलजुल करके इस वीडियो को पहुँचाएंगे तो शायद आने वाले समय में इस चीनी मिल के जो मनमानी है उसको रोका जा सकता है और किसानों का जो बुरा हाल है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।